Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Study College, University of Allahabad. And in the series of discussing various provisions regarding rights of child in Indian perspective, this time I am going to discuss various national policies which have been formulated regarding rights of child. So this lecture will be useful to you all in general as well as for your educational purposes. So let's start. Rights of child. हमने बात की कि बालकों के अधिकारों के लिए भारतवर्ष के संविधान में क्या क्या कौन कौन से अनुच्छेद हैं और कौन कौन से विधान या कानून बनाए गए हैं, कौन कौन से लेजिस्लेशन, ये बात हम कर चुके हैं. नेशनल पॉलिसीज की बात करें तो बहुत सारी पॉलिसीज बनाई गई हैं भारतवर्ष में बालकों के लिए जिनके बारे में हम जनरली नहीं जानते हैं, और इसमें से भी एक दो मैंने छोड़ दिए, तब भी देखिए कितनी सारी हैं. नेशनल पॉलिसी ऑन चिल्ड्रेन 1974 में बनी, फिर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एनपी 1986 एंड इट्स प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, इसका जिक्र हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि हम बहुत बार बात कर चुके हैं इस पर, है ना. नेशनल पॉलिसी ऑन चाइल्ड लेबर बना है 1987 में. नेशनल प्लान फॉर सार्क डिकेड ऑफ द गर्ल चाइल्ड 1991 से 2000 का दशक जो था, 1991 से 2000 का दशक गर्ल चाइल्ड के लिए डिनोट किया गया था. फिर नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी बनी 1993 में जिससे बच्चों को अच्छा पोषण दिया जा सके. नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में बनी. नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 में बनी है. नेशनल चार्टर फॉर चिल्ड्रेन 2003 में बना है. नेशनल प्लान ऑफ एक्शन 2005 में बना है. नेशनल पॉलिसी ऑन चिल्ड्रेन 2013 में फिर बनती है, मतलब 1974 के बाद, और नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रेन 2016 में बना है. आप देख सकते हैं कि लगातार सतत भारत इस दिशा में काम कर रहा है कि जो हमारे बच्चे हैं हमारे देश के, उनके अधिकार सुरक्षित रहें, वो स्वस्थ रहें, उनका हम कैसे होलिस्टिक डेवलपमेंट कर सकें. तो एक एक से शुरू करते हैं. नेशनल पॉलिसी ऑन चिल्ड्रन जो 1974 में बनी उसके बारे में एकदम हमने क्विक रिव्यू करेंगे ना, बिकॉज बहुत सारा है, इतना भी अगर आप जाने तो बहुत है, वरना सबका पूरा पूरा डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है नेट पर, आप वहां से पूरा पढ़ सकते हैं. द नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन वॉज एडॉप्टेड ऑन 22 अगस्त 1974 को ये पॉलिसी, ये राष्ट्रीय नीति बालकों के लिए, बच्चों के लिए अपनाई गई. क्या कहा गया कि चिल्ड्रन वर डिक्लेयर्ड एज द नेशन सुप्रीमली इंपॉर्टेंट एसेट. इस पॉलिसी, इस नीति में ये कहा गया कि जो बच्चे हैं वो हमारे राष्ट्र के सबसे इंपॉर्टेंट असेट हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं आपकी हमारे लिए मतलब राशि है. This policy lays down that the state shall provide adequate services towards children both before and after birth and during their growing stages for their full physical, mental and social development. इस पॉलिसी ने कहा कि राज्य जो है वो प्रोवाइड करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा, एडिक्वेट सर्विसेज, मतलब पर्याप्त सेवाएं देगा बच्चों को बिफोर एंड आफ्टर बर्थ, यानी कि जन्म से पहले, इसका मतलब जब माँ प्रेग्नेंट है तब, जन्म के बाद, और उनकी जो ग्रोइंग स्टेजेस हैं उनमें भी मदद करेगा कैसे, ताकि उनका फिजिकल, मेंटल और सोशल डेवलपमेंट हो सके. फिर नेशनल पॉलिसी ऑन चाइल्ड लेबर 1987 में आती है. द गवर्नमेंट हैज इनएक्टेड द चाइल्ड लेबर एक्ट 1986. जो चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 में बना था, देखिए चाइल्ड लेबर एक्ट मतलब बाल श्रम को क्या करना है, रोकना है और नियमित करना है, प्रोहिबिशन है और रेगुलेशन है. टू प्रोहिबिट द एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन सर्टेन एम्प्लॉयमेंट्स एंड टू रेगुलेट द कंडीशंस ऑफ वर्क ऑफ चिल्ड्रन इन सर्टेन एम्प्लॉयमेंट्स एंड टू रेगुलेट द कंडीशंस ऑफ वर्क ऑफ चिल्ड्रन इन सर्टेन अदर एम्प्लॉयमेंट्स. ये दो बार टाइप हो गया मुझे लग रहा है. तो ये क्या कह रहे हैं, मतलब इस पॉलिसी में कहा गया कि हम ये रेगुलेट करें कि किन दशाओं में बालकों से काम लिया जाना. यहाँ पे हमको ये देखना पड़ेगा कि चूंकि 1986-87 की बात है, शिक्षा अभी कानूनी अधिकार नहीं है, 6 से 14 वर्ष का हर बच्चा स्कूल में नहीं है, इसलिए ये बातें चल रही, वरना अब 2010 के बाद ये खत्म ही हो जाएगा, बिकॉज 14 वर्ष से कम का बच्चा तो श्रम कर ही नहीं सकता, उसको तो स्कूल में प्राइमरी या एलिमेंट्री एजुकेशन लेनी है ना. तो ये कहा गया कि बच्चे कौन सा श्रम करेंगे, उसकी दशाएं नियमित करना, सब करना, ये सब इस पॉलिसी में कहा गया. द नेशनल पॉलिसी ऑन चाइल्ड लेबर डिक्लेयर्ड इन अगस्त 1987 कंटेन्स द एक्शन प्लान फॉर टैकलिंग द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर. जो बाल श्रम की समस्या है उसको, उससे जूझने के लिए, उसको टैकल करने के लिए ये पॉलिसी अपनाई गई 1987 में. फिर आपका आता है नेशनल प्लान फॉर सार्क डिकेड ऑफ द गर्ल चाइल्ड 1991 से 2000, जो ये दशक अपनाया गया. सार्क क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सबको पता होगा लेकिन फिर भी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसने कहा कि इस दशक को गर्ल चाइल्ड दशक
तो डिनोट करने का क्या मतलब होता है कि उन पूरे 10 सालों में हम गर्ल चाइल्ड के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करेंगे. सीक्स टू इंश्योर द इक्वालिटी स्टेटस फॉर द गर्ल चाइल्ड विद प्रोविजंस डिवाइज्ड टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ द बॉर्न एंड द अनबॉर्न. जो लड़की पैदा हुई है और जो नहीं पैदा हुई है, सबकी हमको प्रोटेक्ट करना है. दिस प्लान हैज फोकस्ड ऑन द सर्वाइवल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ द गर्ल चाइल्ड. इस योजना में ये फोकस किया गया कि सर्वाइवल मतलब वो जीवित रह सके, उसकी सुरक्षा हो और उसका विकास हो. पहले तो जीवित रहे, फिर सुरक्षित रहे, फिर विकसित बने. फिर नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी आई है 1993 में. ये कह रही है कि जीओआई अडॉप्टेड द नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी इन रिकॉग्निशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अंडर न्यूट्रिशन इन द कंट्री. ये देखा गया कि जो बच्चे हैं भारतवर्ष में वो अंडर न्यूट्रिशन है, उनको पूरा पोषण नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ये पॉलिसी अपनाई गई. इट इज अंडर द गाइडेंस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इसको, इसके निर्देशन में इसको अपनाया गया. इट एम्स टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम बाय यूटिलाइजिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंटरवेंशंस. इट हैज एडवोकेटेड ए मल्टी सेक्टर strategy for eradicating malnutrition and achieving optimum health for student children. है ना? तो इसने कहा कि मल्टी सेक्टोरल हम काम चलाएंगे, हम मेल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण से मुक्त करेंगे बच्चों को, उनको पोषण देंगे, उन सबके लिए ये सुरक्षा पोषण की नीति, राष्ट्रीय पोषण नीति 1993 में आती है. फिर उसके बाद नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आती है 2000 में. National Population Policy 2000 affirms the commitment of the government towards voluntary and informed choice and consent of citizens while availing of reproductive health care services and continuation of the target-free approach in administering family planning services. मतलब कि पहले ये भी नहीं था ना कि मतलब आपको हमने choice दे दी, voluntary and informed choice, कि आप परिवार कितना बड़ा रखना चाहते हैं, परिवार नियोजन की सुविधाएं दी गई. The NPP 2000 provides a policy framework for advancing goals and prioritizing strategies during the next decade to meet the reproductive and child health needs of the people of India. जो भारतवर्ष के लोग हैं उनके बच्चों के स्वास्थ्य और reproductive health और सब कुछ सुधारने के लिए ये National Population Policy 2000 में आती है. फिर National Health Policy, देखिए Health Policy पहली बार 83 में आई, फिर 2002 में आई, फिर 2017 में आई. इसमें क्या है, दिस पॉलिसी लेड स्ट्रेस ऑन प्रिवेंटिव प्रमोटिव पब्लिक हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर. यानी कि जो बच्चे हैं कैसे रोका जा सके वो बीमारियों से, अगर फिर प्रमोट किया जाए उनके अच्छे स्वास्थ्य को, पब्लिक हेल्थ को, पुनर्न्यास को, सबको सुरक्षित करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत ये पॉलिसी आती है. अ रिवाइज्ड हेल्थ पॉलिसी फॉर अचीविंग बेटर हेल्थ केयर एंड अनमेट गोल्स हैज बीन ब्रॉट आउट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. National Health Policy 2002. The inclusion of social policies adds to the credit of the revised NHP 2002. ना, तो मतलब ये आती रहती, बार बार इसको अपग्रेड करती रहती, मतलब राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति भी है आपके देश में बच्चों के लिए. फिर आता है नेशनल चार्टर फॉर चिल्ड्रन 2003. ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसको 9 फरवरी 2004 को अपनाया गया. अंडरलाइन द इंटेंट टू सिक्योर एवरी चाइल्ड. ये कह रहे हैं कि हर बच्चे को हमको सुरक्षित रखना है. इट्स इनहेरेंट राइट टू बी ए चाइल्ड एंड एंजॉय ए हेल्दी एंड हैप्पी चाइल्डहुड. हर बच्चे का ये अधिकार है कि उसको एक स्वस्थ और खुशहाल हम बचपन दे सकें. टू एड्रेस द रूट कॉजेज दैट निगेट द हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड टू अवेकन द कंसाइंस ऑफ द कम्युनिटी इन द वाइडर सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ अब्यूज व्हाइल स्ट्रेंथनिंग द फैमिली सोसाइटी एंड द नेशन. वो कह रहे हैं कि बच्चे को जो भी उनके हेल्दी ग्रोथ को रोक रहा है उसको हमको दूर करना है, समाज की चेतना को जगाना है, बच्चों के संग कुछ अब्यूज ना हो, उनके संग कुछ गलत ना हो, सबसे सुरक्षित रखना है. ऐसी बात नेशनल चार्टर फॉर चिल्ड्रन 2003 में कही गई. फिर नेशनल प्लान ऑफ एक्शन आता है 2005 में. ये क्या कह रहा है, कमिट्स इटसेल्फ टू इंश्योर ऑल राइट्स टू ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 18 इयर्स. वो कह रहे हैं हर बच्चा जो 18 वर्ष तक का है उसके हर अधिकार को सुरक्षित रखना हमारा काम है. आपको अगर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन याद हो तो वो कह रहे हैं 18 वर्ष से कम जो है सबको उन्होंने चिल्ड्रन का है. द गवर्नमेंट शैल इंश्योर ऑल मेजर्स एंड एन एनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर द सर्वाइवल growth, development and protection of all children so that each child can realize his or her inherent potential and grow up into a healthy and productive citizen. वो कह रहे हैं कि हम मतलब जो सरकार है वो सारा वो काम करेगी, वो सब सुविधाएं मुहैया कराएगी जिससे एक बढ़िया वातावरण मिल सके, जिसमें बच्चा सर्वाइव करे, उसकी वृद्धि हो, उसका विकास हो, उसको हम सुरक्षित रखें ताकि उसका जो भी इनहेरेंट पोटेंशियल है उसको वो बहुत बढ़िया से ग्रो कर सके, एक हेल्दी और प्रोडक्टिव सिटीजन बन सके. दिस कॉल्स फॉर कलेक्टिव कमिटमेंट एंड एक्शन बाई ऑल सेक्टर्स एंड लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विद फैमिलीज, कम्युनिटीज, वॉलंटरी सेक्टर, सिविल सोसाइटी एंड चिल्ड्रन देमसेल्व्स. वो कह रहे हैं कि चूंकि बहुत बड़ा काम है तो हमें इसमें सबका सहयोग चाहिए, गवर्नमेंट का, हम फैमिलीज से पार्टनरशिप करें, हम कम्युनिटी में जाके काम करें, हम वॉलंटरी सेक्टर इसमें काम करें, सिविल सोसाइटी काम करें, बच्चे खुद भी इसमें मदद करें, तब ये जाकर काम पूरा हो पाएगा.
फिर नेशनल पॉलिसी ऑन चिल्ड्रन 2013 आ रही है, पहले 1974 में आई थी, ये कह रही है न्यू एनपीसी, इसीलिए इसको न्यू एनपीसी कह रहे हैं क्योंकि पहले एनपीसी आ चुकी है, रीएफर्म्स, ये फिर से ये सुनिश्चित करती है कि चिल्ड्रन आर इम्पोर्टेंट नेशनल असेट, बहुत जरूरी है बच्चे हमारे राष्ट्र के लिए, थ्रू अ राइट्स बेस्ड अप्रोच द गवर्नमेंट विल हैव अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मल्टी सेक्टोरल इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव अप्रोच फॉर द ओवरऑल एंड हार्मोनियस डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, मतलब हर वो काम करिए जिससे बच्चे का संपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण उसका विकास हो, सर्वांगीण विकास हो। तो इन्होंने चार सेक्शन में बांटा है क्या क्या करेंगे, सर्वाइवल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, पहले तो बच्चा जीवित रहे, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो, उसको अच्छा पोषण मिले, उसको अच्छी शिक्षा मिले, उसका विकास हो, उसको सुरक्षित रखिए और उसकी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए, ये एकदम क्विक मैं आपको बता रही हूँ। फिर नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन 2016 जो है लेटेस्ट, जिसकी बात हम आपसे करने जा रहे हैं, ये भी नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 2013 का ही आप कह सकते हैं एक आउटग्रोथ है। ये कह रहा है कंट्रीज प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन ऑफ कमिटमेंट टू नेशनल प्रोग्रेस, कि आप बच्चों को सुरक्षित रखेंगे तभी राष्ट्र सुरक्षित होगा। इट सीक्स टू इंश्योर कन्वर्जेंस ऑफ ऑनगोइंग प्रोग्राम्स एंड इनिशिएशन ऑफ न्यू प्रोग्राम्स सो एज टू फोकस ऑन प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स थ्रू वेल डिफाइंड स्ट्रेटजीज एंड एक्टिविटीज एंड अचीव सर्टेन लेवल्स ऑफ आउटकम। वो कह रहे हैं जो पहले से चल रहा है उसको और बढ़िया करिए, जो प्री डिटरमाइंड आपने पहले से सुनिश्चित कर रखा है उद्देश्य उनको पूरा करने की कोशिश कीजिए और स्ट्रेंथन करिए, कमिटमेंट को पूरा करिए, यूनियन कन्वेंशन पे आपने साइन किया है उसके हिसाब से राइट्स ऑफ चाइल्ड सुरक्षित रखिए। कुछ मैंने बीच में मतलब नहीं भी आपसे डिस्कस किए बिकॉज बहुत लेंदी हो रहा था, इतना सारा है आपको सब याद करना है, तो आप समझ सकते हैं 1974 से 2016 तक कितनी पॉलिसीज हैं राष्ट्रीय लेवल पर जो बन चुकी हैं जिनसे कि भारतवर्ष के जो बच्चे हैं उनके अधिकार सुरक्षित रहें, वो जीवित रहें, वो सुरक्षित रहें, उनका बचपन खुशहाल हो। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, लेजिस्लेशन हो गया और अब नेशनल पॉलिसीज भी हो गया, अब नेशनल प्रोग्राम रह गया बस। ओके, so I have covered this very topic too, so thank you and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education. I have done from my side.